जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं इस वीडियो को देख रहे, खुदावंद तेरी जीवित शक्ति उनके घरों में परिवारों में काम कर रही है। छूट जा अपनी बीमारियों से, छूट जा अपने हालातों से, तुम्हें परमेश्वर ऊंचा कर रहा है। गुड न्यूज तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, तुम बड़ी से बड़ी गवाहियों से आ रहे, बड़ी से बड़ी गवाहियों और बरकत पा रहे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं परमेश्वर की हजूरी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ आप हमारे ये खास प्रोग्राम, खास प्रार्थना और खास विषय में। तो मेरा बिलीव है कि आज जो कुछ भी मेरे मुंह से परमेश्वर आपकी उन्नति के लिए देगा उससे आपकी बड़ी बरकत होगी। लेकिन मैंने ये वादा किया था आप लोगों से कि कुछ भी हो जाए, ये वेनसडे एंड सैटरडे को हम इस प्रेयर को, इस प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करेंगे। लेकिन आज बहुत काम था, प्रेयर पिलर हुई है ना, प्रेयर पिलर के बाद लोग थे, कुछ चीज़ थी, अभी मैं कोई सिख था ज़्यादा उसकी प्रेयर कर रहा था। तो कुल मिलाकर ये यहाँ चर्च में काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाना था, क्योंकि आगे जाकर ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाला है। लेकिन अभी जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं प्रेयर पिलर में भी लोगों को बता रहा था कि हमें समझना होगा हमारा जो परमेश्वर है ना, उसने हमारे लिए क्या किया है। क्योंकि लोगों की ये मेजर प्रॉब्लम है, लोग अपने क्या कहते हैं ऊपर की जो सोच होती है, हाँ यीशु मेरे पाप के लिए मरा, हाँ यीशु ने मेरे कूड़े खाए, वो मेरी चंगाई के लिए ऐसे हुआ, ये ऊपर की सोच कहते हैं इसको। ये मन से वो सोच नहीं है, उस विषय में ध्यान नहीं है, ये मेजर प्रॉब्लम होती है लोगों की। इसीलिए बहुत सारे लोग मसीह में आकर भी भटकते रहते हैं इधर उधर, कभी किसी चर्च, कभी किसी चर्च, क्योंकि उनके पास ऐसा अगुआ भी नहीं है जो उनका फोकस उस चीज़ पर समझा सके और जिस पर एक बड़ी ग्रेस हो है ना, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हो, जो आत्मा से भरा हुआ हो। मुझे याद है मैं अपनी मानसा ब्रांच में गया था, तो वहाँ पर मुझे एक पास्टर मिला जो बहुत पढ़ा लिखा था और बाइबल स्टडी करवाता था, और साथ में एक और पास्टर था जो बीमार सा था। तो मुझे कहता कि इसके लिए पास्टर जी प्रेयर करो, ये इसको ना चीज़ें भूल जाती है, इसको कई बार समझ नहीं आती पास्टर को कि क्या कर रहा है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, कहता भी जब बड़ी मिनिस्ट्री की ब्रांच खुली तो इसके पता नहीं 70 लोग थे, तो आधे लोग उस ब्रांच में चले गए। तो जब आधे लोग गए तो वो डिप्रेशन से ऐसे उसको हो गया है। मैं बड़ा सोचने लगा कि ये तो पास्टर का मतलब लोग जाने से ऐसे इसके दिमाग में इतना डाउट आ गया, तो ये लोगों को क्या सिखाएगा ना। क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ है, मुझे याद है जब मैंने ये प्रार्थना किए हुए मटीरियलिस्ट चीज़ों को अपनी चर्च में हटाया, 1800 लोगों में 700 लोग पहले चले गए, फिर 400 लोग और चले गए, 1100 हो गए, रह गए कितने 700। हमारी टीम बताने लगी कि आप भी ये करते रहो, मैंने कहा नो, जो मुझे प्रभु ने कहा मैं वो करूँगा, चाहे सारे चले जाए। तो आज मैं एक बड़ी चर्च में खुदा का दास हूँ, इतना खुदा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये मेरे फेथ से हुआ, उस भरोसे से हुआ। तो आज बहुत सारे लोग फेथ के बारे में, परमेश्वर की ताकत के बारे में अच्छे से नहीं जानते, इसीलिए बेचारे भटकते रहते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ ऐसे लोगों को जो परेशान दुखी हैं, अगर ये वीडियो उनके पास पहुँचेगी,
अगर तुम लोग ज़्यादा शेयर करोगे, बहुत सारे लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। क्यों हम वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते, कमेंट्स करते हैं? ताकि किसी न किसी के पास ये परमेश्वर का वचन पहुँचे और उसका भला हो, उसे समझ आए। मैं सच्ची कहता हूँ आपको, हमारी मिनिस्ट्री में रूहों की केयर होती है। हमने बहुत सारी टीम अपॉइंट की है, हमने एक सिस्टम सेट किया है कि जो जो लोग हमारे पास आएंगे कैसे उन पर वर्क करना है। अगर आप बने रहे, हम जो सिखाते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी भी चर्च में जाओ तो ऐसा नहीं कि तुमने कुछ नहीं करना और सारा कुछ पास्टर ने करना है। पास्टर तुम्हें कहता है उपवास रखो, रोजे रखो, प्रेयर करो, ये करो, है ना, बहुत कुछ पास्टर सारे सिखाते हैं। तो हम तो और सुपीरियर सिखाते हैं, और सुपीरियर कैसे परमेश्वर आसानी से तुम्हें बड़ी बरकत देगा। तो आज ये जो मैं सिखा रहा हूँ, ये एक खास विषय था आपके लिए, आपके फेथ के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए। याद रखना, हमारे लिए पॉजिटिव प्रेयर करना एक बड़ा विषय है हमारे सबके लिए। लेकिन मैं आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखा पाऊँगा, लेकिन सैटरडे की जो ये जो वीडियो होगी, खास प्रेयर, खास विषय, वो भरपूर मटेरियल से भरी होगी। लेकिन आज भी जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ आपको, वो भी आपके लिए बड़े मेन हैं। लेकिन ये वीडियो चाहिए थी कि मुझे जल्दी बनाना, क्योंकि जब हम बहुत सारा काम करते हैं तो उसके बाद फिर वीडियो बनाते हैं, तो फिर कई चीज़ें आप समझ सकते हो। मैं यहाँ आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझाना चाहता, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जितना मैंने समझाया इससे तुम्हें ये समझ आ गई है। मैं किसी हालात से नहीं डरता, न मौत से, किसी चीज़ से, सिर्फ खुदा से डर रखता हूँ, उससे कि जो वो चाहता वो करूँ, कुछ भी ऐसा ना करूँ कि उसके सामने जब पाया जाऊँ तो मैं गुनाहगार निकलूँ। इसीलिए मैं परमेश्वर के साथ वो ही बातें करते बढ़ता जाता हूँ। लेकिन मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा खास, रेडी हो जाओ मेरे साथ। परमेश्वर पिता, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे, खुदावंद तेरी जीव शक्ति इनके घरों में, परिवारों में काम कर रही है। खुदावंद ये शूट रहे, तेरा वचन सच्चा है। तूने जो काम किया परमेश्वर पिता पृथ्वी के ऊपर, प्रभु यीशु, छुटकारे का, उद्धार का, वो बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर। वो दया से भरा है, वो अनुग्रह से भरा है, वो छुटकारे से भरा है। वो काम जो आपने क्रॉस पर किया यीशु, प्रभु मेरे खुदावंद, इस समय जितने लोग रिसीव कर रहे इन वर्ड को, मेरे शब्दों से सामर्थ्य निकले और इन्हें टच करे और आजाद कर दे। इसी वक्त मेरे शब्दों, मेरे वचनों से निकले वो तेरी जीव शक्ति और बड़ी से बड़ी बीमारियों से हील हो जाए, क्योंकि तूने क्रॉस पर कोड़े खाकर, मार खाकर, अपना पवित्र लहू बहाकर हमें शुद्ध किया है, हमें नजात दी है। वो नजात यीशु के इन वचनों से जो मेरे मुंह से निकले, चंगे हो जाओ। बड़े से बड़े बंधन, बीमारियां, हालातों में पड़े हुए, बेड पर पड़े हुए, व्हीलचेयर पड़े हुए, चाहे रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, मन के दबके, नीचे के धड़ डड़े, बड़े से बड़ा कैंसर, लास्ट स्टेज कैंसर, HIV के रोग, पेट के रोग, किडनीज के रोग, लीवर के रोग, अल्सर के रोग, तिल्ली के रोग, पेट की बीमारियां, बड़ी गांठे, रसौलियां, बहनों के लहू बहने का रोग, बच्चेदानी का रोग, बच्चेदानी का बाहर आना, बहनों के पीरियड्स की प्रॉब्लम, लहू बहने का रोग, बंद पीरियड्स, बहनों की ब्रेस्ट की गांठ के, किसी का छाती का रोग, दमे का रोग, अस्थमा का रोग, लगे हुए पंप, हार्ट के रोग, ब्लॉकेज, घोषणा करता हूँ, छूट जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु ने कोड़े खाए, घुटनों के रोगी, नीचे के धड़ के रोगी, टांगों की ब्लॉकेज, ब्रेन की ब्लॉकेज, आँखों की ब्लॉकेज, आँखों का रोग, नाक के रोग, मुंह के रोग, जीभ के रोग, दौरे पड़ने की बीमारी, फिट्स पड़ने की बीमारी, बंद नाड़ें,
खुल जाए तेरी जीवन शक्ति, कान खुल जाए, पर्दे फटे, लगी हुई मशीनें उतर जाए, तेरी जीवन शक्ति काम करे, तेरी सामर्थ काम करे, सामर्थ काम करे, सामर्थ काम करे, सामर्थ काम करे, चंगे हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, कर्जे से बाहर जाओ, किसी भी प्रकार के केस, बीमारियां, हालात, क्लेश, नशे के रोगी, नशे के हालात, व्यभिचार के ख्याल, गंदे सपने, दुष्ट आत्मा के अटैक, बीमारियों के अटैक, शैतान के अटैक, गरीबी की प्रॉब्लम, किसी भी तरह के फाइनेंशियल कर्सेस, सबसे बाहर जाओ, यीशु नाम से बाहर जाओ। खुदा का आत्मा तुम्हें छू रहा है, खुदा का आत्मा। मैं राजन नाम के भाई को देख रहा हूँ, वो पेट का रोगी है, खुदा का आत्मा से छू रहा है। मैं रीमा नाम से एक बहन को देख रहा हूँ, उसको लहू बहने का रोग है, परमेश्वर का आत्मा से छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा से छू रहा है। पूजा नाम की एक कुंवारी लड़की को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। इस समय मैं आत्मा में देख रहा हूँ, वो उससे शैतान व्यभिचार करता है, गंदे थॉट्स आते हैं, अटैक्स आते हैं शैतानी। पूजा नाम की लड़की को खुदा का आत्मा फ्री कर रहा, फ्री कर रहा, फ्री कर रहा, फ्री कर रहा, फ्री कर रहा। एक मैं भाई को देख रहा हूँ जो फाइनेंशियल कर्ज प्रॉब्लम से पीड़ित है, कर्जे के नीचे है और वो सुसाइड करना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा से छू रहा है, वो गवाही से आ रहा है, चंगे हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी बीमारियों से, छूट जाओ अपने हालातों से, तुम्हें परमेश्वर ऊंचा कर रहा है। गुड न्यूज़ तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा, तुम बड़ी से बड़ी गवाहियों से आ रहे हो, बड़ी से बड़ी गवाहियों और बरकत पा रहे हो। आज जब तुम वीडियो देख रहे हो, खुदा तुम्हें ब्लेस कर रहा, ब्लेस कर रहा, ब्लेस कर रहा, ब्लेस कर रहा, खुदा आशीष से बरकत से आ रहे हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। सो मेरे पास आत्मा के द्वारा जितना परमेश्वर मुझे यूज़ कर पाया इस समय, मैं बिलीव करता हूँ इससे तुम्हारी उन्नति हो चुकी है, तुम्हारी बरकत आ चुकी है। खुदा तुम्हें बरकत दे। मिलते हैं थर्सडे की मीटिंग में और फिर संडे की मीटिंग में, उसके बाद उससे पहले सैटरडे में ये दोबारा, क्योंकि वेंसडे एंड सैटरडे, बुधवार और शनिवार हमारा ये प्रोग्राम एपिसोड तुम्हारे लिए कॉन्टिन्यू रहेगा। मेरी प्रेयर्स, मेरा विश्वास तुम्हें हिलाएगा, हिलाए इन द सेंस उन शैतानों को, हालातों को हिलाएगा और तुम्हें आज़ाद करेगा। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमेन, 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 आमेन।